हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने शायद अगर मेरी वीडियो नदिया के पार जो फिल्म बनी थी उसकी लोकेशन पे जो मैं वीडियो बनाया था अगर वो देखा होगा आपने, तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं जो है इस वक्त खड़ा हूँ नदिया के पार। फिल्म की शूटिंग जिस जगह पर हुई थी उसी सिटी में, उसी के शहर में, यानी कि जो ज़िला उसका पड़ता है उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ। पहले जो है ये कैसा था और अब जो है कितनी तब्दील हो गई है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो आपको जो है वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे जो नदिया के पार फिल्म वाली मैंने शूट की थी, तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो को आई बटन में लगा दूंगा, तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तो इस वीडियो को देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आइए वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस जगह पे खड़े हैं इसे जौनपुर सिटी बोलते हैं और नदिया के पार फिल्म की शूटिंग इसी के आसपास हुई थी। कहाँ पर हुई थी वो सारी लोकेशन, कैसे जाना है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और बहुत सारी चीज़ों से इस जगह की मुखातिब कराऊँगा, बहुत सारी जगहों से और बहुत सारी जगहों का जो है आपको इस वीडियो में व्यू देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो जौनपुर सिटी है ये ऐतिहासिक जगह है और जो नदिया के पार फिल्म है उसके बनने के बाद ये और भी ज़्यादा जो है पॉपुलर हो गया था, क्योंकि नदिया के पार फिल्म जो है वो पूरी तरह से सुपरहिट हुई थी। जौनपुर में तो बहुत सारी पॉपुलर जगहें हैं और उन सभी पॉपुलर जगहों में से एक बहुत ही पॉपुलर जगह है जिसको हम जो है किला बोलते हैं, उसी की जगह, उसी के स्थान पर मैं जो है इस वक्त खड़ा हूँ। ये किला जो है बहुत ही पुराना है, 300-400 साल पहले इसको बनवाया गया था और ये राजाओं के हाथ का बना हुआ किला है। तो इसको जो है आप मेरे वीडियो पर देख सकते हैं और ऐसी बहुत सारी जगहें इस जौनपुर ज़िले में आपको देखने को मिल जाएंगी और ये जौनपुर सिटी का इस तरह से आप जो है व्यू देख सकते हैं, क्योंकि मैं उस जगह को भी आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ से आपको नदिया के पार मूवी जहाँ शूट हुई थी वहाँ पे जाना होगा, वो जगह भी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं, ये जो है संडे मार्केट है, यहाँ पे संडे मार्केट रखती है। संडे के दिन यहाँ पे बाज़ार लगती है और दिनों पे यहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। और जैसा कि ये शाही किला के अलावा शाही पुल भी यहाँ पे एक है, जो कि शाही पुल जो है अकबर बादशाह के टाइम पे इसको बनवाया गया था और ये भी बहुत ही पुराना जो है पुल है और उसी पुल के पास जो उसी पुल के नीचे जो नदी बहती है वही नदी नदिया के पार फिल्म में दिखाई गई है, लेकिन वो नदी का स्थान दूसरा था लेकिन नदी वही थी। वो नदी जो है डायरेक्टली आपको लेकर चली जाएगी किराकत, जहाँ पे नदिया के पार फिल्म की शूटिंग हुई थी वो किराकत। किराकत से आपको फिर कहाँ जाना होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, ये मैं खड़ा हूँ अभी शाही पुल वाले रास्ते पे और इस जगह को चाँद मेडिकल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो है चाँद मेडिकल है और ये वाला रास्ता जाएगा मेरे पीछे जाएगा और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे मेरे पीछे जो है चाँद मेडिकल है और ये वाला रास्ता जो है ये शाही पुल की तरफ जाएगा, जहाँ पे आपको शाही पुल और गोमती नदी देखने को मिलेगी। गोमती नदी जो कि बहुत ही पॉपुलर है अपने टाइम की, और ये वाला रास्ता जो है वो रास्ता अटाला मस्जिद की तरफ जाएगा, अटाला मस्जिद और किले की तरफ जाएगा, जो कि किला मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये वाला रास्ता अटाला मस्जिद और किले की तरफ जाएगा, तो अगर आपको अटाला मस्जिद या किले पे जाना हो तो यहाँ से आके यहाँ से डायरेक्टली अटाला मस्जिद में जा सकते हैं। अटाला मस्जिद भी बहुत ही पुरानी मस्जिद है, इसको भी जो है बादशाहों के टाइम पे ही बनवाया गया था और इसको भी आप जो है मेरे वीडियो पर देख सकते हैं। जौनपुर शहर जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पे आपको बहुत ही पुरानी पुरानी इमारतें बनी हुई मिल जाएंगी, जो कि बादशाहों के टाइम की बनी हुई हैं। यहाँ पे आपको 2-3-4 तो ये मस्जिद मिल जाएगी, जैसे अटाला मस्जिद हो गई, जामा मस्जिद हो गई, उसके बाद जो है और एक दो मस्जिद है जो कि बादशाहों के टाइम की बनी हुई मस्जिद है, और उसके बाद यहाँ पे लाल दरवाज़ा मस्जिद है, फिर उसके बाद जैसे शाही पुल और फिर ये अपना किला है, उसके बाद अटाला मस्जिद है, फिर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और जौनपुर शहर जो है ये नवाबों का शहर बोला भी जाता है। तो अगर आपको जो है किराकत लोकेशन की बात मैं करूँ, किराकत जो नदिया के पार फिल्म की शूटिंग हुई थी, अगर वहाँ पे आपको जाना होगा तो आपको जो है जौनपुर आना होगा। जौनपुर आने के बाद आपको किराकत जाना होगा, किराकत से फिर उसके बाद जो है आपको 4-5 किलोमीटर पर जो है आपको विजयपुर गांव मिलेगा। वहाँ पे विजयपुर गांव पूछेंगे आप तो वहाँ पे आप जाने के बाद आपको वही लोग पूरी की पूरी शूटिंग जो है वहीं पे हुई थी, जो दो गांव जो है उसमें नदिया के पार फिल्म में दिखाया गया है, दोनों के दोनों गांव जो है उसी जगह का दिखाया गया है।
का और कहीं का नहीं लिया गया। तो विजयपुर आप जाएंगे, पूरी की पूरी लोकेशन जो है जो गुंजा का घर रहता है, उसके बाद जो चंदन का घर रहता है, सब कुछ वहीं मिल जाएगा। तो आप वहां जाएंगे तो आपको जो है पूरी की पूरी लोकेशन वहां पे मिल जाएगी। और ये जौनपुर सिटी है, इसका नज़ारा कुछ इस तरह से है दोस्तों। आपको नदिया पार्क फिल्म वाली लोकेशन पर जाने के लिए पूरी प्रोसेस बता दी। और ये वाला रास्ता, ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, डायरेक्टली आपको किराकत जाएगा और किराकत से फिर उसके बाद जो है आप वहाँ से विजयपुर जा सकते हैं। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो अगर नदिया के पार वाली देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए, आप नदिया के पार की जो लोकेशन मेन लोकेशन है उस वीडियो को देख सकते हैं।